बिसमीम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास टेन असलकम ये बेटा आज ऑनलाइन क्लासेज़ में हमने यूनिट टेल्थ शुरू करना है जो कि है एंगल इन ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इसमें हमने थ्री थ्योरम्स करने हैं ये ट्वेल्व पॉइंट थ्री ए ट्री बी और ट्वेल्व पॉइंट थ्री सी सबसे पहले आप आ जाए ये ट्वेल्व पॉइंट थ्री ए पे ये ट्वेल्व पॉइंट थ्री एरम का जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट देख लें जरा ये ट्वेल्व पॉइंट थ्री एम का स्टेटमेंट देंगल एन ए सीमी सर्कल इज ए राइट एंगल देंगल देख लें द एंगल एन ए सीमी सर्कल इज ए राइट एंगल इट मीन्स दी एंगल लाइज इन ए सीमी सर्कल इज ए राइट एंगल जो एंगल सीमी सर्कल में लाई करता है वो राइट एंगल होगा इधर देख लीजिए बेटा इस त्यूरब में हमें विद सेंटर ओ गेवन है दिस इज ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी इज एन ए डाई मीटर दिस इज ए डाई मीटर ये ए बी डायमीटर है तो ये डायमीटर इस सर्कल को दो सीमी सर्कल में डिवाइड करता है अगर आप इसमें कोई पॉइंट ई ले लें इस इज़ एनी पॉइंट ई और इसको ए के साथ जॉइन करें और इसको डी के बी के साथ जॉइन करें तो हमारे पास ये एंगल ए ई बी बन जाएगा हमने यही प्रो करना है कि ये एंगल ए ई बी क्या है दिस इज़ ए राइट एंगल इधर देख ले बेटा ये डायग्राम भी देख ले साथ ये हमें इस त्योरम में क्या गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ ए बी इज डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल ए ई बी सॉरी गिवन सर्कल एंड ए ई बी इज एनी एंगल इन सेमी सर्कल इधर देख ले दिस इज ए सर्कल विद सेंटर ओ ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड ई इज एनी पॉइंट सो ए बी इज़ एनी एंगल इन दिमी सर्कल वी आर टू प्रू देट दिस एंगल ई बी इज ए राइट एंगल तो ये प्रूव करने के लिए हम इस ई e को ओ के साथ या ओ को ई e के साथ जॉइन करते हैं जॉइन ओ टू दॉन्ट एन ओ टू द पॉइंट ए स्टेटमेंट और रीज़न इधर देख लें इस ट्राइंगल ओ ये जो हमारे पास ए ई बी एंगल है जब हम ओ को ई के साथ जॉइन करते हैं तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन जाते हैं ट्राइंगल ओ ए ई एंड ओ बी एस देख लें ओ ए ई एंड ओ बी ए सबसे पहले फ्रूप में आप ये देख लें कि एन ट्राएंगल ओ एंड ट्राइंगल ओ ए मेजरमेंट ऑफ ओ इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ ई मगर मेजरमेंट ऑफ़ ओ ए इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ ई रेडियई ऑफ द सेम सर्कल एक ही सर्कल के दो रेडियो हैं तो अब जब दो साइड्स इसके कांग्रोवेंट है मेजरमेंट में बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ये ट्राइंगल ओ ए ई एक आसास्राइंगल हो जाएगा दियर पॉ ट्राइंगल ओ एज इन -E आइसास्राइंगल आई क्यों आईसास्राइंगल है एज टू साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रोवेंट एंड जब दो साइड्स कॉन्ग्रोवेंट है और आसास्लिस ट्रा है तो इसका बेटर ये जहन में रख ले कि जब दो साइड्स कॉन्ग्रोवेंट हो तो इन साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रोवेंट होंगे तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों आपस में कॉन्ग्रोवेंड होंगे तो आप लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ ए इज़ इक्वल टू मेज़रमेंट ऑफ एंगल ओ ई ए मेजरमेंट ऑफ़ एंगल ओ इज़ इक्वल टू ओ ए बिल्कुल इसी तरह अगर आप ट्राइंगल ओ बी ई ले लें तो ट्राइंगल ओ बी ई में भी ये ओ बी और ओ ई -E. ये आपस में कांग्रो होंगे क्योंकि ये भी रेडिया ऑफ द सेम सर्कल हैं तो ये भी एक असल ट्राइंगल हो जाएगा और इसमें भी अपोजिट एंगल्स कांग्रोबेंड होंगे तो ये एंगल ओ ओ बी ई और ओ ई बी ये दोनों कांग्रोबेंड हो जाएंगे तो ये मैंने इधर यहाँ पे लिखा हुआ है इधर ज़रा देख लें सिमिलरली इन द्राइंगल ओ ई बी मेजरमेंट ऑफ ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ ई ऑफ द सेम सर्कल देयर पॉल मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ बी ई इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ ई बी तो ये देख लिया बेटा जो पहले हमने मालूम की है ट्राइंगल ओ ए ई में तुम्हारे तो पास ये वाला इसको आप वन का नाम दे दें ये वाला टू हो जाएगा तो इन दोनों को ऐड करें जब हम ऐड करेंगे तो ये आप लिख सकते हैं कि देयर फॉर मेजरमेंट आप एंगल ओ ए ई प्लस मेजरमेंट आप एंगल ओ बी ई इज़ इक्वल टू मेजरमेंट आप एंगल ओ ए ई प्लस ओ ई बी ओ ओ ए और प्लस ओ ई बी तो इन दोनों का सम अगर आप देख लें ओ एंड ओ ई बी तो इन दोनों का ये सम जो है ये ए बी e, के बराबर हो जाता है तो हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ ए ई प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ बी ई इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ई बी लेकिन हमें मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम वन एटी डिग्री के बराबर होता है तो अगर मैं इधर से ये लिख लो कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ बी ई और प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी इन तीनों का सम वन डिग्री के बराबर इधर देख लें ये वन डिग्री के बराबर तो इधर ये ओ ए e, और ओ बी ई आप इधर देख रहे हैं कि ये ए बी e, के बराबर है तो इसकी जगह पे अगर मैं लिख लूँ कि आर मेजरमेंट ऑफ़ एंगल ए बी e, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल e, ए बी इज ठू वन एटी डिग्री ये रीज़न के तौर पर इधर लिखा हुआ है तो इन दोनों का सम ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ़ एंगल ए एक बी इज ठू वन एटी डिग्री अगर आप दोनों साइड को टू से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ़ एंगल ए बी इज टू नाइन्टी डिग्री और यही हमने प्रूव करना है कि और एंगल ए बी इज ए राइट एंगल जब नाइन्टी डिग्री के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये एक राइट right एंगल होगा और यही प्रूव करना है इंशाल्लाह इसके बाद फिर क्लास में कर लेंगे थैंक यू